Okay, class, let's start the next topic of the motivation, that is the features of motivation. Okay, this question is asked in 2018 mein ye question pucha gaya tha 4 mark ka. Theek hai, explain features of motivation. Ye 4 mark ka question pucha gaya tha 2018 mein. Explain features of the motivation. So let's start. Near about four lots of features are there of the motivation, but we are going to discuss only four, because generally ये वाला question 4 mark में ही आता है, so no need of going very vast ना, तो बहुत vast जाके पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 mark का आता है, तो हमारे लिए 4 point sufficient है, ठीक है? 1 point पे 1 mark clear होता है. So let's start features of motivation. First feature is motivation is an internal feeling. जब तक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर खुद से फीलिंग नहीं आएगी कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, मुझे ये गोल अचीव करना है, जब तक खुद से फीलिंग नहीं आएगी, कोई कितना भी मोटिवेट कर ले नहीं हो सकता. जब तक हम खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे, कोई भी वर्क कंप्लीट नहीं किया जा सकता. सो मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग. खुद के अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि वी हैव टू अचीव दिस पर्टिकुलर गोल. आई हैव टू टेक 90% इन एनी हाउ. कुछ भी हो जाए, चाहे पैंडमिक हो, चाहे क्लास ऑनलाइन चले, ऑफलाइन चले, वॉट इट मे बी, मुझे जो है टीचर से पूछना पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे जैसे करना पड़ेगा, मुझे 90% चाहिए, मिस चाहिए. वो आपकी इंटरनल फीलिंग होनी चाहिए. सो बिना इंटरनल फीलिंग के कोई भी गोल को अचीव नहीं किया जा सकता. सो मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग. मोटिवेशन जो है वो इंटरनल फीलिंग होनी चाहिए. नंबर टू, मोटिवेशन इज एट प्रोड्यूसिंग गोल ओरिएंटेड बिहेवियर. ध्यान से फिर समझिएगा, मोटिवेशन एम्स एट प्रोड्यूसिंग गोल ओरिएंटेड बिहेवियर. मोटिवेशन जो है वो एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर गोल ओरिएंटेड बिहेवियर स्टैंड करता है, इंक्रीज करता है, या फिर कह सकते हैं स्टार्ट करवाता है. फॉर एग्जाम्पल, इंसेंटिव्स और बोनस. अगर किसी को, किसी एम्प्लॉय को बोनस मिलता है, क्यों मिला उसको बोनस? कभी उसने कभी एक आध घंटा वर्क ज्यादा किया होगा, तो अगर किसी एम्प्लॉय को बोनस मिलता है तो वो क्या हुआ, बोनस क्या है, वो उसको उसके अंदर प्रोड्यूस करता है, उसके अंदर और प्रोड्यूस करता है गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, कि अगर मैं और काम करूं या और अच्छे से वर्क करूं तो मेरा इंक्रीमेंट और बढ़ेगा. ये भी एक मोटिवेशन है. मोटिवेशन सिर्फ बोलना ही नहीं होता. देखो, दो लोगों को अलग अलग मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है. जैसे एक क्लास 12th का स्टूडेंट है, उसका मोटिवेशन और क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट के मोटिवेशन में डिफरेंस होता है. क्लास 12th के मोटिवेट को क्या मोटिवेट किया जाता है कि तुम पढ़ सकते हो, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम करके देखो. क्लास फर्स्ट के बच्चे को अगर मोटिवेट करना हो तो उसको एक पेज हैंड राइटिंग दे दो और खुद एक पेज हैंड राइटिंग, उसको बोल के कोई फायदा नहीं, उसको समझ में नहीं आएगा. उसको एक पेज हैंड राइटिंग दो और खुद एक पेज हैंड राइटिंग बैठो और बोलो कि देखें कौन पहले लिखता है. तो तुम भी लिखना शुरू करो, वो भी लिखना शुरू करो, तो वो देखो दोनों का मोटिवेशन का क्राइटेरिया अलग अलग है. हर एक इंसान को मोटिवेट करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया की जरूरत होती है. एक ही टाइप का मोटिवेट सबके लिए नहीं होता, लेकिन मोटिवेशन प्रोड्यूस करता है एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर. हम उसको मोटिवेट, अगर हमको कोई मोटिवेट करता है तो हमारे अंदर प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर. अगर एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है या कोई ट्रिप मिलता है, एक्स्ट्रा ट्रिप मिलता है या एक्स्ट्रा पार्टी मिल जाती है, ऐसा कोई इंसेंटिव्स मिल जाता है, तो हमारे अंदर और गोल को अचीव करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है कि हम और अच्छे से काम करें, ताकि ये इंसेंटिव्स हमें कंटिन्यूटी में मिलता रहे. सो मोटिवेशन एम्स एट प्रोड्यूसिंग. मोटिवेशन का एम क्या होता है, प्रोड्यूस करना गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर प्रोड्यूस करना. क्या प्रोड्यूस करना, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर. ये किसका काम है, मोटिवेशन का. मोटिवेशन का ये एम है. मोटिवेशन का क्या है, ये एम है, प्रोड्यूस करना. क्या प्रोड्यूस करना, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर. गोल ओरिएंटेड बिहेवियर को प्रोड्यूस करना, ये मोटिवेशन का एम है. नंबर थ्री, मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव. मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. सो मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. देखो, कि आप देख रहे हो मार्केट में, एक आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर में आप देखते हो कि
एक या दो पेज ही ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा ठीक ठाक न्यूज़ होता है, बाकी के चार या पांच पेज ऐसे होते हैं कहीं चोरी हो गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई किसी को उठा ले गया, कहीं किसी का मर्डर कर दिया, कहीं कोई गाड़ी को वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सो लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो ये भी तो किसी ने मोटिवेट किया है तभी ही काम हो रहा है ना, ये भी एक टाइप का मोटिवेशन है, तभी तो ये काम हो रहा है। तो मोटिवेशन पॉजिटिव भी होता है। पॉजिटिव मोटिवेशन का रिजल्ट क्या आता है? टॉप लेवल का जॉब। पॉजिटिव लेवल का मोटिवेशन का रिजल्ट क्या आता है? टॉप लेवल का जॉब। यू पीपल आर ऑन द टॉप पोजिशन। ठीक है, निगेटिव का चोरी, जेल जाना, वकीलों से मिलना, जज से, समझ गए ना इसका मतलब? तो हो गया वो मोटिवेशन जो होता है। मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज द निगेटिव। पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। जितने निगेटिव वर्क किए जाते हैं, जितने निगेटिव काम किए जाते हैं, वो मोटिवेशन वो भी एक टाइप का मोटिवेशन है, वो भी किसी ने किया है। जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक किया गया था, ओबामा ने जो अटैक किया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, किसी ने तो उसको मोटिवेट, जितने भी ये सब क्राइम होता है, कोई ना कोई तो मोटिवेट करता है ना कि हम तुम्हें इतने पैसे दे देंगे या हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे तो ये अगर तुम ये काम कर देते हो। तो मोटिवेशन पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव भी होता है। पॉजिटिव मोटिवेशन का रिजल्ट पॉजिटिव आता है और निगेटिव मोटिवेशन का रिजल्ट निगेटिव आएगा, एज यू नो वेरी वेल। लेट अस गो फॉर द लास्ट वन, दैट इज द मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मीन्स हर एक इंसान के लिए डिफरेंट होता है, इट्स अ डिफरेंट फॉर द डिफरेंट पर्सन। हर एक इंसान को एक ही मोटिवेशन काम नहीं करता। अब आम मोटिवेशन अगेन एंड अगेन, दैट मींस यू दैट यू पीपल हैव टू स्कोर 90%, स्कोर 90%, बट ऑल 26 स्टूडेंट्स आर नॉट प्लानिंग फॉर द 90%। सब 90% के लिए प्लान नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कुछ 70 के लिए कर रहे होंगे, कुछ 60 के लिए कर रहे होंगे, कुछ 80 के लिए कर रहे हैं, गुड। सो मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एज नो इंडिविजुअल्स आर सेम। सारे जितनी भी, जैसे आप हमारी पांच उंगलियां एक जैसी नहीं है, द 26 स्टूडेंट्स ऑफ 12C आर नॉट द सेम। सब एक जैसे नहीं है और सबको जितना मैं समझा रही हूँ सबको इक्विवेलेंट नहीं समझ में आएगा। कुछ को बहुत समझ में आएगा, कुछ को एकदम नहीं समझ में आएगा, कुछ देखेंगे ही नहीं कि पता नहीं मैम क्या कर बोरिंग लेक्चर ले रही होंगी। सो इट इज द मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि हर एक इंसान को अलग अलग वे में समझ में आता है। अगर एक मोटिवेशनल लेक्चर चला, कुछ लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ जाता है, कुछ लोगों को एकदम नहीं समझ में आता। जो समझना चाहे उसको समझ में आ जाता है, जो नहीं समझना चाहे उसे नहीं समझ में आता। सो दैट इज द मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। व्हाई इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये क्वेश्चन भी आया है 2014 में, ठीक है, 2014 में क्वेश्चन आया था, व्हाई इज इट सेड दैट मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। 2014 में क्वेश्चन आया था कि व्हाई इट इज सेड दैट मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। एक मार्क में आया था, बिकॉज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल आर नॉट द सेम। सो डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड फॉर अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइप का मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। सुना होगा आप लोगों ने, आपके पेरेंट्स ने बताया होगा कि कुछ लोग जो है वो बातों वाली भाषा नहीं समझते, तो जो वाली भाषा समझते हैं वो वाली समझानी पड़ती है, ठीक है। सो दैट इज अ मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एज नो इंडिविजुअल आर सेम। जैसे सारे इंडिविजुअल सेम नहीं है, उसी तरह से एक ही टाइप का मोटिवेशन सबके लिए सेम नहीं हो सकता। अलग अलग मोटिवेशन यूज करना पड़ता है। रिपीटिंग अगेन, मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। अंदर से फीलिंग आएगी तभी मोटिवेशन हो पाएगा। मोटिवेशन का एम क्या होता है? प्रोड्यूस करना, वर्क टू प्रोड्यूस, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, पूरे अपने एम्प्लॉयज के अंदर में मतलब गोल ओरिएंटेड बिहेवियर को हो करना, प्रोड्यूस करना। मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। सो मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एज नो इंडिविजुअल्स आर सेम। ये 1 mark क्वेश्चन में भी आ सकता है और 4 mark क्वेश्चन में भी आ सकता है। क्लियर है क्लास? थैंक यू।